बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार चना चाट। लेकिन उससे पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। चना चाट बनाने के लिए हमने 150 ग्राम चने लिए, एक हमने मीडियम साइज़ की कटी हुई प्याज लिए, 3 से 4 चाय के चम्मच हमें चीनी चाहिए, थोड़ा सा हमें नमक चाहिए, 1 चाय का चम्मच चाट मसाला, 1/2 चाय का चम्मच सूख मिर्च पाउडर, 3 मीडियम साइज़ के चॉप किए हुए टमाटर, 1 चॉप की हुई सब्ज़ मिर्च, 5 अदर हमें आलू लिए, उसको हमने बॉईल कर लिए, तकरीबन 3 खाने के चम्मच इमली लिए, उसको हमने भिगो दिए, 1 हमें करलीज का छोटा पैक चाहिए। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सॉस बनाएंगे, उसके लिए हमने पैन लिए, इसमें हम भीगी हुई इमली डाल देंगे, चार चाय के चम्मच चीनी ऐड करेंगे, ½ चाय का चम्मच नमक, सूख मिर्च पाउडर, तकरीबन 1 कप पानी ऐड करेंगे, इसको 5 से 7 मिनट पकाएंगे। तकरीबन 7 मिनट हो चुके हैं, सॉस हमारा गाढ़ा हो चुका है, अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे, इसको ठंडा करेंगे और इसकी गुठलियाँ निकाल लेंगे। इमली की गुठलियों को हमने निकाल लिए, सॉस भी हमारा ठंडा हो चुका है, चना चाट बनाना स्टार्ट करेंगे। पोटैटो को हमने छील के कट कर लिए, इसे बाउल में डाल देंगे, चने डाल देंगे, प्याज डालेंगे, प्याजों को हमने बहुत ही बारीक बारीक काटा हुआ है, टमाटर डालेंगे, सॉस डालेंगे, सब्ज़ मिर्च का पेस्ट डालेंगे, चाट मसाला डालेंगे, इसे मिक्स करेंगे, ये अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, हमारी मज़ेदार चना चाट रेडी है, अब हम इसे सर्व करेंगे।